लीनियर अलजेब्रा फॉर एआई एंड डेटा साइंस. लीनियर अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा था और पढ़ रहे हैं एआई के लेक्चर में, मशीन लर्निंग के लेक्चर में. अच्छा, इसको हम जो है मैट्रिक्स एरिथमेटिक्स, मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज, एडिशनल मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज लाइक एसवीडी, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन. मैट्रिक्स एरिथमेटिक जो है न्यूरल नेटवर्क पर्सपेक्टिव्स. समेशन, समेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है. आपने जो है वो आपने करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड करने हैं तो आपके पास समेशन आ जाएगा. सिंपल. इसको अगर आप स्केलर टाइम्स वेक्टर, अगर किसी वेक्टर को आपने स्केल करना है किसी, फॉर एग्जांपल ए से हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा. अगर आप इसको ऐसे समझे, हमने इस वेक्टर को मुख्तलिफ पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है. अगर इसको हम किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आपका हर वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा. एंड देन आपके पास, तो अगर इस वेक्टर को आप देखें तो ये चीज आपने देखी है लेक्चर में इन पॉइंट्स. तो जो वेक्टर होता है वो उसको आपने इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स. मल्टीप्लीकेशन के प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स तीन मुख्तलिफ तरीके हैं. एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है, मैटलैब में काफी यूज होता है. एंड देन इनर प्रोडक्ट एंड आउटर प्रोडक्ट. एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रोडक्ट, इसका इसको हदामार्ट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं. इसका आप लोगों ने अभी तक सिर्फ सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन देखी होगी जिसमें आपने एक एलिमेंट को देख के रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करो. एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप एलिमेंट बाय एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या रिजल्ट आता है. उसका मकसद जिस तरह आप समेशन करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट आप ऐड करते हैं, इसको भी पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई करें. तो ये एक कॉन्सेप्ट है ए वन बी वन और ए टू बी टू. और मैटलैब में इसका तरीका ये है कि डॉट स्टार स्टेरिक लगा के आप उसको मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. देन हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई वेक्टर है x1 टू xn और एक और वेक्टर है जो आपके पास y1 टू yn है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एंड देन आप उसको सम करते हैं. ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपने अभी देखा है न्यूरल नेटवर्क के जब पढ़ रहे थे तो उसमें डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है. अब इस चीज को, एक और चीज आपने देखी होगी, अब इस वेटेड समेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रॉम वन टू एन, फ्रॉम वन टू एन और एन को आप मल्टीप्लाई करें. सिंपल. इसमें आपने क्या करना है कि जो मैटलैब की खासकर बात होती है कि इनर मैट्रिक्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, वन बाय एन हो और एन बाय वन हो. ये सेम होंगी तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये वाला आएगा. ठीक. जी, कोई कंफ्यूजन? डॉट प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिक इंट्यूशन. डॉट प्रोडक्ट क्या चीज है? आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इस चीज को. जी, डॉट प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक इंट्यूशन में दो वेक्टर जो है ओवरलैप कर रही होती है. इस वेक्टर को हम जो है प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जिसमें आप जो है एक्स और वाई के को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं. अच्छा, लीनियर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क आपने देखा होगा उसमें ये किस तरह चल रहा होता है और ये किस तरह काम करता है. लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेक्टर इनपुट है और ये आपके पास वेट्स हैं. ओके. और ये
इसको सिनेप्टिक वेट्स कहें, या जिस इधर आप कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, इसमें हम सिग्मॉइड फंक्शन या समेशन कर रहे होते। तो आप जब इन दो वेक्टर को प्रोडक्ट इसका लेते हैं तो आपके पास वेट समेशन ऑफ आ जाते हैं। अच्छा, ये लेवल टू एल टू मैग्नीट्यूड है। रिस्पॉन्स इसका मैक्सिमाइज कब होता है? जब आपके पास वेट जो है वो पैरेलल में होते हैं और वेक्टर के फॉर्म में होते हैं। रिसेप्टिव फील्ड्स आल्सो कैन बी थॉट ऑफ दिस वे। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है कि जो वेट और इनपुट है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और जिस तरह हमने पढ़ा था कि वेट को मॉडिफाई करते हैं तो उसका इम्पेक्ट आता है आपके इनपुट पे। अच्छा, आउटर प्रोडक्ट क्या चीज है? आउटर प्रोडक्ट ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एन बाय वन मैट्रिक है। एन बाय वन का मतलब है कि इसमें आपके पास रो एन है और कॉलम आपके पास वन है। ये आपके पास रो है और ये आपके पास कॉलम है। तो जब आप वन बाय एम मैट्रिक से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखें ये वेक्टर जो है पूरा वेक्टर वाई के साथ मल्टीप्लाई पहले हुआ। नेक्स्ट वन, ये इसके साथ इस तरह सिंपल वाला जो मल्टीप्लीकेशन वो इसी तरह है। एक्स वन को वाई वन से मल्टीप्लाई करें, देन एक्स वन को वाई टू से करें, देन वाई को वाई एम से करें, इस तरह अगेन फिर एक्स टू करें सारे वेक्टर से, तो आपके पास एन बाय एम मैट्रिक्स आ जाएगा। सिंपल, वो तो मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना वो मुश्किल नहीं। तो पहले आपके पास एन बाय वन है तो ये अगर देखे तो ये सेम है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? ये वाला आएगा एन बाय एम। तो पहले x1 y1 से मल्टीप्लाई हो गया, देन y2 से, देन ym से, इसी तरह चलता हुआ आपके पास जो है आपके पास वो रिजल्ट आ गया। अगर आप इसको देखें तो ये, अगर आप इसको देखें ये पूरा एक वेक्टर है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है? ये एक वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ है। सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो एक वेक्टर है जो कि y2 से मल्टीप्लाई हुआ है इस तरह। तो ये जो है ईच कॉलम जो है ईच रो मल्टीप्लीकेशन हुई है या मल्टीपल है। मैट्रिक्स टाइम्स अ वेक्टर, अगर हम कोई मैट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो किस तरह कॉन्सेप्ट होगा? सेम जिस तरह हमने न्यूरल उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में पढ़ा था, ये वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसको आपने वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वही कॉन्सेप्ट है, वेटेड है और इनपुट है, ये आउटपुट है और ये वेट मैट्रिक्स है और ये आपके पास इनपुट वेक्टर है। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि आपको इसको W मैट्रिक्स कह दिया, इसको X वेक्टर कह दिया और Y वेक्टर कह दिया। तो अच्छा, अगर आप इसका देखें प्रॉपर्टी तो M by 1 है, M रो है और 1 कॉलम है, ये N रो है 1 कॉलम है और ये M रो है और N कॉलम है। अगर आप देखें तो इनका जो कॉलम और रो वो इक्वल है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? M by 1 आएगा, सिमिलरली इसकी इक्वल हो जाएगा। n और n सेम होना चाहिए तो आपके पास m बाय वन वैल्यू आएगी जो कि आपके आउटपुट के बराबर है। ठीक हो गया, फीचर वेक्टर क्या है चीज है? हाँ यस एग्जैक्टली, वेट जो है आपकी फीचर है। एक्चुअली वेट्स आपके फीचर निकालता है, फीचर तो आपके आउटपुट में पड़ा होता है या इनपुट वो उसमें डेटा सेट में पड़ा होता है, लेकिन वो आपके रिक्वायर्ड फीचर जो है वो वेट्स के थ्रू निकल रहे होते हैं। फीचर तो आपके फॉर एग्जांपल आपका फीचर असल में क्या है? आपके पास फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है, आप पिक्चर को अगर आप उसमें डेटा के फॉर्म में ले जाए, उसमें आपके पास फॉर एग्जांपल इनपुट है, वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो जो आपकी आंख की रिप्रेजेंटेशन है तो किसी वैल्यू होगी ना, पिक्सल होगी, पिक्सल को आपने
एक फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक है, ये आपकी आई है, इसको अगर फिक्सल एक्स वाई डोमेन में अगर आप देखें अजी भी, तो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा, तो वो मैट्रिक्स जो आपने निकालना है वो वेट के थ्रू निकालना होगा ना, तो फीचर वो हो गया। अच्छा इसको आप ith element of y is the dot product of ith row of w with x, ये क्या चीज है ये एक्चुअली? अगर आप y को देखें तो, अगर y को आप देखें तो वो क्या चीज है? इस रो को इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास y1 आ जाएगा, ठीक हो गया। सिमिलरली y2 क्या चीज है? रो 2 को आपने x वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसको आप इमेजिन करें जो चीजें हमने की है हम अभी रिपीट कर रहे हैं उसको, तो ये दोबारा दोबारा लेक्चर हो रहा है। तो रो टू इस तरह, रो आई, आई का मतलब है कि कोई भी वैल्यू बिटवीन वन एंड एम, तो उस क्या वो आपने अगर निकालने हुए तो वो आईथ एलिमेंट ऑफ वाई इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आईथ एलिमेंट आईथ रो ऑफ डब्ल्यू एंड विद एक्स। तो अगर आप इसको, अगर मैं इसको एक वेक्टर कहूं, वेक्टर ऑफ रो वन सॉरी कॉलम वन, तो एक्स वन क्या होगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सम हो जाएगा। इस तरह एक्स टू जो एलिमेंट है उसका वेक्टर एक्स का, उसने आपने इसको आपने एक अलग वेक्टर कह दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन है? इस तरह जाते हुए आपका, सो द प्रोडक्ट इज अ वेटेड सम ऑफ द कॉलम्स ऑफ W वेटेड बाय द एंट्रीज ऑफ X, वेटेड समेशन है जो कि हमने पढ़ा है। एग्जाम्पल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है 0, 3, 2, 1, उसको एक वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं 2, 1 से, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और वन को इससे मल्टीप्लाई किया, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है फॉर एग्जांपल 0, 2, 2 का अगर आप उसको प्लॉट करें एक्स वाई डोमेन में तो वो इस तरह आएगा, और अगर इसको प्लॉट करें तो वो ऐसे आएगा। जो आपका मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन वो एक्चुअली ये है। तो आपके अगर इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 0, 4 आ जाएगा और आपके पास फाइनल रिजल्ट 3, 5 आ जाएगा जो कि एक वेक्टर के फॉर्म में। और आप इसकी देखें, आप इसकी ग्राफिकल उस पे देखें, ये जो आपके पास वेक्टर आ गया उस आपने इंक्रीज कर दिया, उसके 0, 2 को 2 टाइम कर दिया तो स्केलर वैल्यू से इंक्रीज हो गया, और इसको आपने 1 से कर दिया तो सेम रह गया। जो आपके पास आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, समेशन, दो वेक्टर को आप सम करते हैं तो आपके पास जो डायरेक्शन मेरे शुरू से आ गया। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज। अगर इस तरह मैट्रिक है तो इसका रैंक क्या होगा? 2। असल में इसका कॉन्सेप्ट है नॉन इंडिपेंडेंट रो और इंडिपेंडेंट कॉलम। तो अगर आप देखें तो कॉलम रो 2 जो है वो रो 1 पे डिपेंडेंट है, रो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रो आ जाएगा, तो इंडिपेंडेंट जो है वो सिर्फ एक है, तो इसका रैंक 1 है, ठीक हो गया, रैंक 1 है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद ये है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम मिनिमम एक्चुअली। तो अगर आप देखें तो रो 2 जो है वो डिपेंडेंट है रो 1 पे, अगर रो 1 को आप 2 से जरब दें
ये रो वन है, तो ये जो आया है वो एक्चुअली टू टाइम और रो वन है, तो इंडिपेंडेंट आपके पास एक रो है, इसलिए रैंक इसका वन है. अच्छा, ये हमारे पास लीनियर नेटवर्क है, इससे आप लोग काफी जो है नाखुश हैं. तो आपके पास सिमिलरली ये कैसे करता है, आप इसको देखें. आई जे जो है वो एक्चुअली इज द कनेक्शन है स्ट्रेंथ वेट ऑन टू न्यूरोन वाई फ्रॉम न्यूरोन जे. तो जो आपका फॉर एग्जांपल या मैट्रिक्स में आपके पास कॉलम और रो होता है, तो आपके पास रो वन और कॉलम वन है, ठीक है, और ये आपके पास इनपुट वेक्टर है. तो अगर आप इसको देखें तो ये इसकी एक्चुअली इनर स्ट्रेंथ है. वही कॉन्सेप्ट है कि वेट जो है आपके इनपुट को मॉडिफाई कर रहा होता है, इसको इसलिए इनको इनर स्ट्रेंथ कहते हैं कि इस वेट से जो है आप इनपुट की वैल्यू को मॉडिफाई करें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक हो गया. और अगर आप इस नेटवर्क को देखें तो एक्स जे से आपके पास वाई आई तक जो वैल्यू आई है वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू फॉर आई आउटपुट ऑफ इनपुट जे एक्स जे. अच्छा, अब हम इसको ये चीज आपने समझ लिए कि जो वेटेड समेशन है उसको हम जो है समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. जो इसको कहते हैं कि रिस्पांस, द रिस्पांस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई थ्रो ऑफ डब्ल्यू विद द वेक्टर एक्स. तो वेक्टर एक्स के साथ जो है वेट का रो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये समेशन आ जाएगी, जिस तरह हमने भी प्रैक्टिस कर लिया अभी. तो ये क्या है, ये पूरा आपके पास वेट है जो कि वेट से इनपुट है जो कि वेट से मल्टीप्लाई, ये वेक्टर एक्स है और इनके जो वेट्स हैं वो उसका जो है वो रो हो गया एक जो से मल्टीप्लाई हो गया. अब देखें फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम ऑफ डब्ल्यू एक्स वन जो है वो क्या है, एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन मल्टीप्लाई हो चुका है. जस्ट ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो न्यूरल नेटवर्क है ऑलरेडी वो चीज जो आप सिंपल सिंपल कर रहे थे, तो ये चीज को देख के हम परेशान हो जाते हैं, हालांकि ये इस तरह की मैथमेटिकल काम होते. फर्स्ट कॉलम ऑफ डब्ल्यू है वो आपके एक्स वेक्टर से मल्टीप्लाई है फॉर वाई, एंड देन अगर हमारे पास टू मैट्रिक्स हो तो उसकी क्या किस तरह मल्टीप्लीकेशन होगी. ये तो भी फिलहाल एक वेक्टर था, तो आपने अगेन इस वैल्यू को देना, ये इक्वल हो तो आपके पास रिजल्ट आउटर वैल्यू आएगी. अगर आप देखें एन बाय एम ये वेक्टर है और ये आपके पास पी पी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ अदर मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स टाइम्स मैट्रिक्स, अगर हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने वेक्टर के फॉर्म में लिखा कि कोई भी वैल्यू अगर आप सी वन को देखें तो सी वन जो है वो इस कॉलम फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू है आई की हम लेते हैं वन, ठीक, और इसकी ये लेते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह आएगी, मतलब एक का रो जो है पूरा रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास सी आई जे आए. हमने न्यूरल नेटवर्क जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ था. तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर एनी पी वैल्यू, ये पी है वन टू पी समेशन के इक्वल वन टू पी, आपके पास जो है ए वेक्टर है जो कि मल्टीप्लायर है, उसको जब हम बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं.
आउटर मैट्रिक्स प्रोडक्ट, अगर हम इसको इस कॉलम को इस रो को इस तरह लेके कि हम इस कॉलम को सिंपल एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और इस रो को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन ये होता हुआ आपके पास फॉर एनी पी आ जाता है, तो जो उनका समेशन है वो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर जो है इस ये कॉलम इस वेक्टर ये वेक्टर इस वेक्टर से मल्टीप्लाई और इस तरह ये और इस तरह फॉर एनी अप टिल द लास्ट पॉइंट। मेरे ख्याल में ये काफी है, कोई टाइम मिला तो हम आगे भी बिट डिफिकल्ट जो हमारी काम की चीजें थी वो हमने ऑलमोस्ट पढ़ ली है, जो हमें समझ नहीं आ रही थी।